आज हम बात करेंगे मैच नंबर 42 मुंबई इंडियंस वर्सेस राजस्थान रॉयल्स। मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच में 42वां मुकाबला वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा। राजस्थान रॉयल्स अपना पिछला मैच 4 बार चैंपियन सीएसके को हराकर आ रही है, जहां यशस्वी जायसवाल ने सबसे ज्यादा रन बनाए गाइस और प्लेयर ऑफ द मैच बने। ध्रुव जोयल ने भी अच्छी पारी खेली थी और दूसरी तरफ मुंबई इंडियंस ने गुजरात के खिलाफ हार के आ रही है। मुंबई इंडियंस के टॉप बल्लेबाज नेहल वडेरा, कैमरॉन गीन, सूर्य कुमार यादव और टॉप गेंदबाज है पीयूष चावला, अर्जुन तेंदुलकर और जेसन बेरेंडोफ। तो जो लोग ग्रैंड लीग खेलते हैं, स्मॉल लीग खेलते हैं, उन्हें जरूर इन प्लेयर्स को लेना है जो लोग ड्रीम 11 खेलते हैं। और साथ में आपको फाइनल रिपोर्ट हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। राजस्थान रॉयल्स के टॉप बल्लेबाज है यशस्वी जायसवाल, ध्रुव जोयल, देवदत्त पडिक्कल, टॉप गेंदबाज है एडम सेंपा, रविचंद्रन अश्विन, कुलदीप यादव। और साथ में गाइस अगर आप ट्रेंट बोल्ट खेलते हैं तो उन्हें भी जरूर टीम में रखिएगा। अब हम बात करते हैं पिच। वानखेड़े की पिच बल्लेबाजों के लिए मददगार है और यहाँ हाई स्कोरिंग मैच देखने को मिले हैं। यहाँ बड़े शॉट्स लगाना आसान होता है क्योंकि यह बैटिंग पिच है। टॉस जीतने वाली टीम पहले गेंदबाजी कर सकती है। पिच पर एवरेज रन 174 है और टोटल विकेट 60 है। हेड टू हेड की बात करें, लास्ट 5 सालों में T20 में यहाँ टोटल 10 मैचेस खेले गए, जिसमें से MI ने 4 जीते और राजस्थान ने 6 जीते। तो यानी ये पिच राजस्थान को ज्यादा सपोर्ट करती है। इस वेन्यू पर चलने वाले राजस्थान के टॉप प्लेयर है जॉस बटलर, यजुवेंद्र चहल, संजू सैमसन और मुंबई के टॉप प्लेयर है रमनदीप सिंह, कैमरन ग्रीन और ईशान किशन। तो इन्हें आप जरूर अपनी ड्रीम 11 की टीम में रखिएगा गाइस। साथ में फाइनल टीम आपको हमारे चैनल पे मिलेगी, हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी जो कि एमकिंग स्पोर्ट्स है। और आपको मैच प्रेडिक्शन हमारा ये रहेगा गाइस कि राजस्थान रॉयल ये मैच जीतेगी। साथ में फाइनल प्रेडिक्शन गाइस आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। थैंक यू गाइस, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। और जो लोगों को डिटेल एनालिसिस चाहिए इसी मैच का, वो हमारे ब्लॉग्स को जाके पढ़िए mkingsports.com पे। फाइनल और डेली अपडेट्स के लिए हमारे इंस्टाग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। और थैंक यू गाइस।